नमस्कार। जगत गुरु रामानंद राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संस्कृत के अंतर्गत जो PSST के डिप्लोमे होते हैं, यानी कि PSST और PSSST और PSAT के 2022 के जो इंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कि ये फॉर्म है जो किस तरह फिलअप करना है और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। उसके बाद में इस सारे वीडियो में समझेंगे किस तरह आपका एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सर्वप्रथम मिल सके। तो आपको दोस्तों जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की जो होम साइट बनी हुई है इसको पहले ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करेंगे इस होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पर एक आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक ऑन ऑनलाइन एडमिशन फॉर PSST PSSST एंड PSAT, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये अपने को न्यू पेज पे लेके जाएगा जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि आज आवेदन की डेट बता रहा है 2/11 से शुरू हो चुका है। आपका 22/11 इसका लास्ट डेट है और इसके संबंध में जो निर्देशिका बनी हुई है इनको यहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो कि टेलीग्राम की लिंक है, उसके अंतर्गत भी हमने ये PDF शेयर की है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर है जो रजिस्ट्रेशन का टैब दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अपना फॉर्म है जो शुरू हो जाएगा। पहले अपने को रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि आपको SSO के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना है। तो आप अपनी SSO ID पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन होना है। अगर आपकी SSO ID नहीं बनी हुई है तो हमने एक प्रत्यक्ष वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको देख करके आप है जो SSO ID भी बना पाएंगे। तो यहाँ से अपने को लॉगिन हो जाना है। जैसे अपन SSO लॉगिन हो चुके हैं यहाँ पर आपको जो हायर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज बना हुआ है एजुकेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक किया यहाँ पर लॉगिन का टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है ये कि सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइज्ड और फिर आपको एप्लीकेशन सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम अपने को जो कॉलेज है उसको सर्च करना है, जैसे कि अपना कॉलेज है जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ पर। उसके बाद में आगे आपको यहाँ पर जो 2022-23 सेशन का एडमिशन का टैब दिख रहा है आप ये सर्च कर सकते हैं या फिर अपने को ये सर्च करना है। तो अपने PSST का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको ये सर्च करना होगा, इसको सेलेक्ट कर देना है और फिर अपने को कंटिन्यू का टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर अपने को पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा का नाम, आप कौन सा प्रवेश परीक्षा का ले सकते हैं। जैसे संस्कृत के अंतर्गत जैसे प्री शिक्षा शास्त्र कहते हैं जिसको PSST यानी कि 2 वर्षीय यानी कि BEd प्रोग्राम है, फिर PSST का PSSST का प्रोग्राम जैसे 4 वर्षीय इंटीग्रेट BA BEd आप मान सकते हैं। उसके बाद PSAT यानी कि आचार्य के अंतर्गत शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो MEd कहा जाता है, आप कोई भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का प्रोसेस सभी का सेम रहता है तो आपको यहाँ पर 2 ईयर BEd का प्रोग्राम है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और अपने को कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर देना है कि आपका कोर्स कौन सा है, जैसे शास्त्री है या शास्त्री प्लस आचार्य है, BA प्लस शास्त्री है या जो भी आपका कोर्स है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं BA मॉडर्न कर देता हूँ अभी और फिर अपने को सबमिट का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। अपने को पूछा जाएगा ये आप क्या राजस्थान के मूल निवासी हो, तो आप राजस्थान के हैं तो आप यस कर सकते हैं और आपको जनाधार नंबर दर्ज करना होगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आप सेकंड टैब ले सकते हैं, जैसे नो का टैब मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 10th के अकॉर्डिंग सारी डिटेल है जो फिलअप करनी होगी और सारी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट का टैब दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर डिटेल के अंतर्गत आपका नाम दर्ज करना है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, ईमेल एड्रेस है, फिर आपकी जन्मतिथि है और एज कैलकुलेट हो जाएगी, आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, आपका राज्य कौन सा है, मोबाइल नंबर, फिर OTP से ये वेरीफाई होगा और यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपकी श्रेणी कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और फिर आपको सबमिट टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो अपन न्यू पेज पे चले जाएंगे जहाँ से अपना फॉर्म शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं अपने OTP से वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर आ चुके अपन व्यक्तिगत विवरण के अंतर्गत जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल है वो फिलअप करनी होगी। जैसे पर्सनल डिटेल के अंतर्गत आपको नाम दर्ज करना है और आपको हिंदी में है, ईमेल एड्रेस, ये सारी जानकारी फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पहचान पत्र ID प्रूफ कौन सा है, फिर ID प्रूफ का आपको देना होगा नंबर यहाँ पर। उसके बाद में नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज करना है यहाँ पर आपको, यानी कि आपके नॉमिनी कोई है तो उसको नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करना है, फिर आपकी कैटेगरी क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, अन्य सारी जानकारी, धर्म है जैसे माइनॉरिटी से आप संपर्क करते हैं यानी माइनॉरिटी से आपकी रिलेशनशिप है या बिलोंग करते हैं तो आप यस कर सकते हैं। फिर आपको 7th कंटिन्यू टैब पर जाना है और जहाँ से आपको यहाँ पर एक फिर योग्यता का टैब नज़र आ जाएगा।
में आपको योग्यता का टैब मिलता है जिसके अंदर आपकी सारी क्वालिफिकेशन दर्ज करनी, फिर आपको एड्रेस दर्ज करना, आपकी बैंक संबंधित डिटेल यहाँ पर दर्ज करनी होगी और स्टेप बाई स्टेप ये दर्ज होगी। फिर आपको यहाँ पर केंद्र और विषय के संबंध में जानकारी दर्ज करनी, फिर अपने को दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने, फोटो वगैरह सारे, और उसके बाद में आपको फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा और फिर आप फॉर्म चेकअप कर दें और फॉर्म चेकअप करने के बाद में इसका पेमेंट है वो डिडक्ट करवा दें। इस तरह आपका फॉर्म है जो कम्प्लीट फिलअप हो जाएगा। और दोस्तों फॉर्म संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।